जिले के विभिन्न शैक्षणिक सवालों को लेकर AISF का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। वो मांगे जल्द पूरी नहीं होने की दिशा में आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार ने कहा कि 2008 में राज्य के सभी हाई स्कूलों को उत्क्रमित कर दिया गया, इसके बावजूद अभी तक बेगूसराय के दर्जनों स्कूलों में इंटर की पढ़ाई शुरू नहीं की गई। कई स्कूलों में तो भवन निर्माण भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा सरकार अपने घोषणाओं को भी पूरा करने में विफल है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और इस वजह से उनकी पढ़ाई ही छूट रही है। अविलंब उत्क्रमित सभी उच्च विद्यालयों में इंटर की पढ़ाई शुरू नहीं किया गया तो हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। AISF के जिला सचिव ने कहा उलाव मॉडल स्कूल में करोड़ों के खर्च के बाद भी स्कूलों को शुरू नहीं किया जाना शिक्षा विभाग के लापरवाही का नतीजा है। AISF के राज्य कार्यकारिणी सदस्य किशोर कुमार ने गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त शिक्षकों का अवैध प्रतिनियोजन रद्द करने की मांग की है। DEO से मिलने वाले AISF के प्रतिनिधिमंडल में संगठन के जिला महासचिव विवेक कुमार, पिंटू कुमार, जिला उपाध्यक्ष ऋषभ कुमार शामिल थे। इन मांगों से जुड़ा मांग पत्र सौंपा गया। बीहट के वैदेही बल्लभ शरण महिला उच्च विद्यालय, जीतलाल उच्च विद्यालय नया गाँव, राम सखी उच्च विद्यालय हासपुर समेत सभी उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में इंटर की पढ़ाई शुरू करने, रचियाही एवं राजवाड़ा हाई स्कूल में इंटर के लिए भवन निर्माण कराने, उलाव मॉडल स्कूल को अविलंब शुरू करने, सभी विद्यालयों के रिक्त पदों पर विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति करने, शिक्षकों के अवैध प्रतिनियोजन को रद्द करने एवं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शैक्षणिक संस्थान को खोले जाने की मांग शामिल है। बीएमपी न्यूज के लिए शिवम कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय में लगातार सरकार के द्वारा आदेश आया है, 2008 में आदेश आया है कि जितने भी हाई स्कूल हैं उन्हें प्लस टू किया जाए। यहाँ भी हुआ है, बेगूसराय के अंदर भी हुआ है, लेकिन 20% हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर 20% हुआ है तो कहीं शिक्षक की घोर कमी है, कहीं रूम नहीं है तो कहीं बैठने की जगह नहीं है। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब ग्रामीण क्षेत्र जाइएगा, दूर प्लस टू स्कूल होने के कारण छात्रा लड़की लोग पढ़ना भी बंद कर देते हैं। मैं सीधा तौर पे सरकार और बेगूसराय शिक्षा पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द तमाम प्लस टू हाई स्कूल को प्लस टू कर दे और तमाम सुविधा उपलब्ध करवाएं। नहीं तो आज हम आवेदन दिए हैं, शांतिपूर्ण आवेदन दिए हैं और बात किए हैं, आने वाले दिनों में हम पूर्ण आंदोलन करने वाले हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी